फाइनली सोमपाल और शिवानी भी पानी में आ चुके हैं, पानी पीने वाला पानी ले जाएंगे, ठंडा पानी। हेलो एवरीवन, केम छो, कैसे हो? मजा मा, पहले बुलंद यार। तो आज हम पानी के धारे, पानी के रोल में जाने वाले हैं। प्राकृतिक स्रोत पानी का, पहाड़ों में जो कि कुदरती पानी बहता रहता है। और मेरे साथ है मेरा बेटा, बोल हाय करो। हाय, बोल कैसे हो? कैसे हो? और ये है उसका डिब्बा, पानी वाला डिब्बा। ये छोटा सा डिब्बा है और ये इसी में पानी लाता है। ये तो खैर नल से ही लाएगा नजदीक में। और ये है मेरा कलसा, इसे कहते हैं कलसा, और कई जगह इसे बंठा और अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। आपको यहाँ क्या कहते हैं? और ये है गागर, इससे गागर में भी पहले लोग पानी लाते थे, लेकिन आज क्या है कि इतना ही वजन पानी का होता है और इतना ही गागर का बहुत भारी होता है, इसलिए लोग अब गागर का यूज कम करते हैं। तो चलिए, ये हल्का है, इससे लेकर के मैं अपने पानी के गांव का जो धारा है वहाँ आपको दिखाता हूँ। तो मेरे साथ आप बने रहें, और ये हमारा सफ़र थोड़ा सा दूर तक है, तो आपको बीच बीच में मैं जो खास खास चीज़ें हैं वो भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करके हमारे साथ, जो कि पानी लेने तो आएगा लेकिन सिर्फ नल तक ही आएगा। आ जा, और पानी भरने के लिए बड़ा एक्साइटमेंट हो, उत्सुक भर चल भर। और ये है इसका धारा, इसका धारा सिर्फ यही है और ये यहीं से लाएगा पानी। अरे इना आ तू, तुम भर। हाँ चल। और ये हमारे भाई साहब, आदरणीय बड़े भाई जी। हाँ चल, तू जा फिर ध्यान जा, हाँ मैं पानी लेगा हूँ। और ये है पहाड़ों का नज़ारा, बहुत दूर जाना पड़ता है पानी के लिए, ठंडे पानी के लिए। और हमारी भाभी जी भी पानी का इंतज़ार कर रही हैं, लगी हुई है मेहनत में। तो तुम पानी ले आओ मैं, हाँ हाँ तवार इंतज़ार करो। तो चलिए पहाड़ों का नज़ारा आनंद भी लेते हुए। और ये हमारे गांव का चौपाल, चौपाल बन चुका है, यहाँ पर काफ़ी आनंद आता है यहाँ पर बैठकर गप्पे मारने में, नज़ारा देखने में। और मिस्त्री जयपाल सिंह जी, मकान बन चुका है भदोला, ये भदोला सदन, भगवती प्रसाद भदोला। और अगर आप मकान बनाना हो नए मॉडल और पुराने मॉडल में, तो हमारे मिस्त्री जयपाल सिंह जी बड़े एक्सपर्ट हैं, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे ये बिल्कुल आसमान में चढ़ कर के मकान बना रहे होंगे। और ये भदोला जी का जो मकान है वो भी तैयार हो चुका है, हो रहा है, हैं? और मालिक साहब, चांद में चढ़ने की देर है बस। अच्छा, ये बिल्कुल चांद से ही चढ़, चांद पर चढ़कर ही बना रहा है, देखना जरा। और क्या खूबसूरत नज़ारा है। तो चलिए आगे भी बने रहे हमारे साथ पहाड़ों का आनंद लेते हुए। और ये है खाल चौपाल दूसरा, और ये है देवलाल सदन। चलिए आगे ले चलते हैं आपको। और ये हमारा बस स्टैंड है, जो रोड है हमारे गांव में आ चुकी है, और ये बस स्टैंड। और बकरियों का भी टाइम हो चुका है घर वापसी का। अरे लमडाण, अरे बहुत है बकरा भाई, कदू का छी बकरा। और कुछ से बच्चे पानी लेके आ चुके हैं, और अभी हमारा सफर जारी है। आ गई, और इंतजार करते करते परवीन वापस भी आ गया पानी लेते। इधर देर इंतजार नहीं कर सकते क्या यार तुम्हें? और हम पहुंच चुके हैं रोड सड़क, जो कि काफ़ी नज़दीकी है हमारे गांव से। और ये सॉरी आपको दिखाना भूल गया, यहाँ पे सामने दुकानें हैं जहाँ से कि राशन और सारी ज़रूरतों का सामान मिलता है। और ये सड़क सड़क हमें पानी लेने जाना पड़ता है, रास्ते का पता चलता नहीं है, क्योंकि पहाड़ों का जो नज़ारा है वो बहुत ही खूबसूरत है, खुशनुमा। और इसी रास्ते हम कभी अपने स्कूल जाया करते थे,
जो कि सामने हमारे स्कूल दिख रहे हैं, एक स्कूल ऊपर है और एक स्कूल नीचे है, वहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है। तो इसी लंबे सफ़र को पार करने के बाद आखिर हम अपने स्कूल पहुँचा करते थे। आज तो खैर सड़क बन गया है ये, लेकिन जब उबड़ खाबड़ रोड सॉरी रास्ता हुआ करता था तो इसी रास्ते ये हम अपने स्कूल भी जाया करते थे। आज तो गांव-गांव में स्कूल हो चुके हैं, तो चलिए आनंद लेते रहिए। और ये यहाँ पर काफ़ी ख़तरनाक हेयर पिन बैंड, यहाँ से इधर मुड़ते हुए और काफ़ी ख़तरनाक बैंड है ये। और अब चल रहे हम सड़क से थोड़ा आगे, और ये सड़क इधर को, और हम थोड़ा नीचे ये रास्ता पानी के धारे तक, और ये है हमारे गांव का पानी का धारा और उसका बहुत खूबसूरत नज़ारा। तो अभी पानी के धारे के पास हैं नहीं, हम थोड़ा सा दूर हैं। और इस तरह फाइनली हम पानी के धारे तक पहुंच चुके हैं, और ये है हमारे गांव का पानी का रोल, प्राकृतिक स्रोत। इसे हमारे ग्राम प्रधान ने काफ़ी अच्छा बना दिया है, इसका सौंदर्यीकरण, इसमें टाइल वगैरह लग चुके हैं। और ये है पानी का धारा, आहा बहुत ठंडा पानी है, बहुत चिल पानी, आहा। तो इसे पीने के बाद तन मन की तृप्ति हो जाती है। इस पानी के बारे में बताता हूँ आपको, ये देखो ये यहीं से है पानी, मतलब कि कहीं दूर से नहीं है। और थोड़ा सा मैं इसमें लाइटिंग करता हूँ, ये देखो ये पानी सिर्फ यहीं से आ रहा है, देखो ये स्रोत है और कहीं नहीं, बस यहीं से है, देखो यहाँ से, और इसके पीछे कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ से आता है ये पानी और ये यहाँ से निकलता है ना। तो कुछ भी नहीं किया यहाँ इसके लिए, अंदर पूरा पहाड़ है, पहाड़ देखो, पूरा खेत वेत है और ये पानी यहीं से निकलता है। सर्दियों में बहुत गर्म और गर्मियों में बहुत ठंडा। एक और धारा इसे बनाया है अभी, ये प्राकृतिक नहीं है, ये मतलब प्राकृतिक ही है, लेकिन इस धारे को बनाया है गांव के लौंडों ने, नौजवानों ने, और इसका प्रयोग करते हैं खासकर नहाने के लिए। तो इस धारे में नहाते हैं और इससे पानी भरते हैं, हालांकि इससे भी पानी भर सकते हैं, भरते हैं, पीते हैं, साफ है ये भी, लेकिन ये जो है और ठंडा है। और इसकी धारणा है लोगों की कि इस पे बहुत ठंडा पानी आता है। और एक धारा थोड़ा नीचे है, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें कपड़े धोते हैं लोग, तो वो भी दिखाता हूँ आपको। ये देखो इसके नीचे है एक और धारा, और ये नीचे आ चुके हैं हम, और ये एक और धारा है ये। तो इसमें क्या करते हैं, आमतौर पर यहाँ लोग कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने की भी अच्छी व्यवस्था कर रखी है ग्राम प्रधान जी ने, ये टंकी बना रखी है। और ये है पानी, और इसमें काफ़ी मोटा पानी आता है, ये देखो इसमें कपड़े धोते हैं, इसे भी पीते हैं, ये भी प्राकृतिक ही है। हाँ, क्योंकि हमारे गांव में पानी की ठीक व्यवस्था है, पानी के स्रोत की, तो इसलिए अलग अलग धाराओं इस तरह से हमारे गांव में जो पानी का स्रोत है प्राकृतिक कुदरती है, ये अपने आप ही आता है, यानी कि जो 12 महीने ये पानी कंटिन्यू चलता रहता है। और अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जो ऊपर है पानी वो एक पीने वाला अलग है, यानी पीने के लिए तीनों पानी है, जो तीन धारे दिखाए तीनों पीने के लिए यूज होते हैं, लेकिन खासकर ये कपड़े धोने के लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि ऊपर जो है हम गाय वगैरह भी पानी पीते हैं, तो वो साबुन वगैरह का आ जाता है पानी, इसलिए कपड़े धोना यहाँ ऊपर वर्जित है और नीचे रखा हुआ है। उसके बाद ऊपर नहाते, वैसे ऊपर नहाना भी मना है, लेकिन आप 9-10 बजे तक नहा सकते हैं, क्योंकि गाय जो है वो 11-12 बजे पानी पीती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नहाते भी हैं लोग, तो चलिए मैं पहले नहा लेता हूँ, उसके बाद मैं पानी भरता हूँ,
और उसके बाद हम चलते हैं वापसी में। तो पहले मैं भी नहा लेता हूँ क्योंकि ठंडा ठंडा होता है यहाँ का पानी, बहुत ही कमाल का है। सर्दियों में आप नहा सकते हैं गर्म पानी से, और आजकल तो पानी ठंडा है गर्मियों में। और बाथरूम की भी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है। फाइनली सोमपाल और शिवानी भी पानी में आ चुके हैं, पानी पीने वाला पानी ले जाएंगे, ठंडा पानी। और सुंदर वादियों के बीच में हमारे गांव का पानी का स्रोत प्राकृतिक, तो ठंडे ठंडे पानी के साथ नहाने की तैयारी। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे और ये है हमारा बाथरूम, ओपन बाथरूम, बहुत ही मजेदार। चल डाल और फाइनली बरखा भी पानी में बरखा बरखा भी पानी रोल। चल भोटे बोर देव बोर हाथ मुंह धुआल, बहुत धुआल सरान भी चली। और ये बरखा का डब्बा भरते हुए एक डब्बा के लिए ले दो, दो चार डब्बा ले आने हैं, मतलब एक डब्बा क्यों पानी, चार पांच आदमी एक डब्बा देते पेयजल पानी। तो नहाने का कार्यक्रम पूरा, और अब हम पानी भरने वाले हैं।